नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा केस में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। मर्डर वेपन जो कि हथियार, वो बरामद मिल चुका है पुलिस को। एक नदी में हथियार मिला है, 5 चाकू, जिस वजह से जो कह सकते हैं कि 5 चाकू के मदद से आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। और ये हथियार बहुत ही ज़्यादा अहम सबूत है, क्योंकि मर्डर वेपन के बिना आप फांसी पे किसी को नहीं चढ़ा सकते हो। ये एक अहम कड़ी होता है फांसी से उस मुजरिम को जोड़ने का। तो 5 चाकू जो है वो बरामद किए गए हैं और उसका कह सकते हैं फॉरेंसिक में भेजा गया है, ताकि उसमें जो लगा हुआ खून है, उसका जो इस्तेमाल किया गया है, उसका DNA के साथ श्रद्धा का जो बॉडी के जो टुकड़े मिले हैं कई सारे, उससे मैच किया जाए। और बहुत ही जल्द अगर जब मैच होता है तो पुलिस को एक और अहम सबूत मिल जाएंगे, और ये जो सबूत है ये आफ्ताब को फांसी के फंदे तक और ले जाएगा। और बहुत ही जल्द केस शुरू होने वाला है कोर्ट में, और बहुत ही जल्द इसके ऊपर आपको हर एक दिन डिटेल्स वीडियो मिलते रहेंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ, कल कोर्ट में क्या हुआ, कितने दूर तक पहुंचा है। इसमें बस आप लोगों का साथ चाहिए हमारा, क्योंकि आप लोगों के बिना न्याय नहीं मिल सकता। आप लोग अगर चाहेंगे तभी न्याय मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही मैं कोई अपलोड करूं वैसे ही आप तक पहुंचे। और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, ताकि लोगों को और भी उत्सुकता हो और भी जागरूक बने कि ये आफ्ताब श्रद्धा केस में आफ्ताब को फांसी ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर बार की तरह, हर केस की तरह जिसमें आपने बहुत भरपूर साथ दिया है, चाहे वो शबनम केस हो, चाहे वो निर्भया केस हो, कोई भी केस हो, उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था, इसमें भी आप लोगों से बस यही उम्मीद है। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे ही आपको हमारा चैनल सबसे पहले बताएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।